शादी से पहले अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, फिर मेरे पास मत आना। आप क्या बोल रही है मॉम, वैसे मतलब क्या है? तो क्या तुम अपने घर जाकर अपनी जीत का जश्न नहीं मनाओगे? उसके लिए शायद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है। मॉम यहां ना चाहती हैं। तुम्हारी माँ यहाँ क्यों आना चाहती है? लेकिन उन्हें तो हम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था ना, और फिर वो तो अब तुम्हें शादी के लिए फोर्स भी नहीं कर रही। हाँ, और मैंने उन्हें कहा कि मैं वापस नहीं आना चाहता क्योंकि मुझे आजादी चाहिए। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तो उन्हें यहाँ क्यों आना है? क्योंकि मैंने उन्हें सच नहीं बताया है। तो अब उन्हें लगता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने सोच लिया है, मैं तुम लोगों के बीच में और नहीं आऊंगी। तुम्हारी जिंदगी का फैसला अब तुम ही करोगे। अगर मेरे बोलने से तुम्हें तकलीफ होती है तो अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चाहे तुम और किन्शी एक दूसरे के साथ रहो या ना रहो, पर मेरी बात याद रखना, जब परिवार बिखरता है तो बच्चों पर बुरा असर होता है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब बच्चे हो जाते हैं तब आपको उन्हें प्रायोरिटी देनी ही पड़ती है। मैं समझती हूँ तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है, अगर तुम एक दूसरे के साथ खुश हो तो और मुझे क्या चाहिए? तो अब वहां आने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत क्यों नहीं है, मुझे देखना है कि वो कहां और कैसे रहती है। ऊपर से तुम पूरा दिन घर पर ही रहते हो, मैं सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ कि तुम लोग अपना घर कैसे चला रहे हो, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। क्या हुआ, मैं नहीं आ सकती? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें तुम पर नाज है और वो घमंडी भी है तुम्हारी तरह, तो फिर मेरे पास एक सलूशन है, पर मैं वो अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। तो मुझे क्या करना है? बर्तन धोने हैं। ठीक है। क्या हुआ जाओ? पर बाद में बताना जरूर। मॉम, हाय। हुआ, आप ये सब क्या लाई हैं? ये सारी तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। ये देखो हुआ, मैंने खास तुम्हारे लिए वॉन्टन्स बनाए हैं। मीट वॉन्टन्स है, वेजी वॉन्टन्स है और प्रॉन वॉन्टन्स भी है। अरे रखो ना यहाँ पे, लो जल्दी इन्हें फ्रिज में रख दो। और एक बात, अब बाहर का खाना खाना बंद कर दो, ठीक है? अरे किन्शी दिखाई नहीं दे रही? उसका जो ओवर टाइम है। संडे के दिन ओवर टाइम? सच में? हुआ, मुझे तुम झूठ मत बोलो। मुझे पता है किन्शी मुझसे बात नहीं करना चाहती है ना? ऐसी कोई बात नहीं है मॉम। मॉम, ये स्लीपर पहन लो। ओह सॉरी। हाँ इसे दूध को मत देना। दीदी, मैं यहाँ दिमाग ठंडा करने आई हूँ।
मुझे तो लग रहा है कि उनकी वजह से तुम्हें अपने ही घर से निकलना पड़ा। तुम्हारी होने वाली सास तो खतरनाक निकली। देखते हैं होने वाली है या नहीं। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं रहती। तुम्हारे पापा की भी उम्र हो गई है। तुम एक दिन अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड को उनसे मिलवाओगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं यहाँ दिमाग ठंडा करने आई हूँ, डुडू से मिलने आई हूँ, तो इस वक्त मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। डुडू इसे बता दो कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है? और इसके बारे में मेरी माँ को भी कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? माना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ा वियर्ड है, पर मेरे ख्याल से वो प्रेजेंटेबल तो लगता ही है। नहीं, तुम तो मेरी माँ को जानती हो ना, और ये भी जानती हो कि उन्हें लगता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। और ऐसे में अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो पता नहीं दिमाग के घोड़े कहाँ तक दौड़ाएंगी। हमारे बच्चों के नाम से लेकर वो कौन से स्कूल में जाएंगे वो भी सोच लेंगी। तुम्हें याद है जब मेरा ताऊ जुनुई के साथ ब्रेकअप हुआ था, तब 3 दिनों तक लगातार रो के किसने अपने होशो हवास खो दिए थे? मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। इसलिए मैं उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। ओह गॉड, मुझे तुम पर दया आती है। तो बोलो आज क्या करने वाले हैं? हम मजे करेंगे। बोलो। मैं यहाँ इसीलिए तो आई हूँ। मॉम, ये स्टडी रूम है। ओह, स्टडी रूम है। मॉम, आइए बाथरूम दिखाता हूँ। ओह ये बाथरूम है। तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है, इंटीरियर भी अच्छा है। ये दीवारें किंची ने ये घर खरीदा है क्या? मॉम, ये हमारा बेडरूम है। मैं अंदर जाकर देख सकती हूँ? बिल्कुल। हुआ, तुम दोनों एक साथ ही सोते हो क्या? नहीं। सच में? असल में मिस किन और मेरी आदतें बहुत ही अलग हैं। वो काफी लेट तक काम करती है और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसीलिए हम अलग सोते हैं। और फिर जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, हम दोनों नहीं चाहते कि एक साथ कमरे में सोएं। कमरा तो काफी साफ सुथरा है, ये सब तुमने किया है या वही करती है? वो काम में बिजी रहती है तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। मॉम, मैं चाय बना के लाता हूँ। पर साफ सफाई का सारा काम तुम क्यों करते हो? ये तो दोनों को मिलकर करना चाहिए ना? हाँ, झगड़े यहीं से शुरू होते हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला ना? हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकती। मॉम, झूठ मैंने क्या झूठ बोला? मॉम, मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ, पर मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या करना है वो तुम देख लो। शादी से पहले अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, फिर मेरे पास मत आना। ये आप क्या बोल रही हैं मॉम? वैसे मतलब क्या है आपका? इन्हें क्या हो गया?